नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिले में शांतिपूर्ण माहौल में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दौरान शहर की जामा मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, नगर निगम की मेयर अनीता राम, अनुमंडलाधिकारी सदर दिलीप कुमार, सदर DSP संजय कुमार पांडेय, प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल कुमार, नगर थाना अध्यक्ष चंद्रकांत गौरी को सम्मानित किया। इस दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय विधायक ने बताया कि ईद का त्योहार आपसी भाईचारे व प्रेम तथा सौहार्द का प्रतीक है। इस दौरान लोग एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं तथा देश में अमन चैन कायम रहे इसके लिए अल्लाह से इबादत करते हैं। वहीं सदर SDO ने कहा कि जिला में आपसी भाईचारा के साथ ईद का यह पर्व मनाने का सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है। यहां सभी समुदायों के बीच बहुत ही मधुर संबंध है। समस्तीपुर जिला गंगा जमुना तहजीब का एक अद्भुत मिश्रण है। वहीं सदर DSP ने कहा कि पूरे जिला में अन्य वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी पूरे शांतिपूर्ण माहौल में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं इस दौरान समस्तीपुर अनुमंडल क्षेत्र में ईद पर्व को देखते हुए जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती दंडाधिकारी के साथ किया गया है। मौके पर शमीम हैदर खान, मोहम्मद मुमताज, इम्तियाज अहमद गुड्डू, परवेज अहमद, पप्पू मस्तान, अनस रिजवान, साहिब खान, मोहम्मद फैसल आलम मनु, मोहम्मद सहजाद अहमद, मोहम्मद जमील, मोहम्मद तमन्ना खान, गुलाम रबानी, मोहम्मद परवेज अंसारी, रुस्तम अली खान, साजिद राज आदि मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अभी रुके ना, तो दोनों सरकार को थोड़ा दूर से ले जाए, सब लोग आ जाएंगे। ईद के अवसर पर समस्तीपुर वासी को प्रशासन के तरफ से बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई। और प्रशासन के तरफ से ईद के अवसर पर व्यवस्था भी की गई, दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है और इनके सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए हम लोग तत्पर हैं। और हम उम्मीद करते हैं और पूरा विश्वास है कि अमन चैन से ईद पर्व मनेगा। सर्वप्रथम ईद के मौके पर सभी लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। और बहुत ही अच्छा माहौल है और सभी लोग इस पर्व का पर्व को उल्लासपूर्वक मना रहे हैं। और शहर में पूरी तरह से इसको लेकर के जोर शोर से प्रशासन भी मुस्तैद है। जो भी मदद और सहयोग पब्लिक को चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं और उनके तरफ से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। और बहुत ही बढ़िया समन्वय है, यहाँ शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है।